रिजल्ट के दे रहा है बहुत इफेक्टिवली, और इतना लाइट है, कोई उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट भी नहीं है, और हर चीज एकदम अच्छी कर देता है। कैसे एलोवेरा में ऐसा क्या क्या है हम देखते हैं, ऐसा क्या क्या फायदा है जो कि एलोवेरा हमको देता है। अगर नॉर्मल हेल्थ की बात करूं, इंफ्लेमेशन बॉडी में किसी भी तरह की कोई जलन है उसको ठीक करता है, हार्ट बर्न एसिडिटी होना कि मेरे को जलन हो रही है, मेरा कलेजी में जलन हो रही है, ऐसा प्रॉब्लम कोई कहता है तो उसमें बहुत अच्छा है। एसिड रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स वो कंडीशन होती है जिसमें खाना कितनी बार मुंह तक आके वापस चला जाता है, खट्टी डकारे आना, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है उसमें एलोवेरा कमाल के रिजल्ट दिखाता है। उसके साथ साथ हमारी ओरल हेल्थ मुंह के लिए बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, और कैंसर के रिस्क को भी ये कम रखता है, नहीं होने देता। उसके साथ साथ अगर बालों की बात करूं, हेयर ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए, ड्राई हेयर के लिए बहुत इफेक्टिव है। स्किन की बात करूं, एजिंग के साइंस, फाइन लाइन्स वगैरह उन्हें जल्दी नहीं आने देता, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, दाने वगैरह नहीं होने देता, इससे सूदिंग इफेक्ट होता है, सूदिंग यानी कि ठंडा इफेक्ट होता है बॉडी के लिए, सूदिंग इफेक्ट होता है। और ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रहा है, इसका वेट लॉस सेकेंडरी फंक्शन है, सबसे पहले तो ये बॉडी को इसका फायदा दे रहा है, नेचुरली लाइट रख रहा है, दूसरा ये वेट लॉस में भी बहुत कमाल के रिजल्ट दिखा रहा है। कोई वेट लॉस पे है उसको बोलो खाना खाने से पहले एलोवेरा ले ले खाली पेट, गुनगुने पानी के साथ, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब भाई इतना कुछ करता कैसे है, इसने हमने इसमें पढ़ लिया एलोवेरा क्या है, क्या क्या फायदे दे रहा है, पर इसमें ऐसा है क्या जो कितने फायदे दे रहा है वो देखते हैं एक बार। इसमें कुछ मिनरल्स हैं, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर एंड जिंक, ये सारे मिनरल्स हैं जो कि इसको इतना अच्छा बना रहे हैं। अगर वाइटामिन की बात करूं, वाइटामिन कौन कौन से है, वाइटामिन ए, वाइटामिन B1, B2, B6, B12, वाइटामिन सी, वाइटामिन ई, फॉलिक एसिड जिसको हम वाइटामिन B9 भी बोलते हैं, और नाइसिन जिसको हम वाइटामिन B3 भी बोलते हैं। यानी कि इतने सारे वाइटामिन, इतने सारे मिनरल्स हैं जो कि मिलके एलोवेरा को इतना अच्छा बनाते हैं, इतना इम्पोर्टेंट बनाते हैं। अब डोसेज की बात करूं, 2 से 4 कैप्सूल तक आप आसानी से ले सकते हो गुनगुने पानी के साथ, और जैसे मैं बता रही थी कैल्शियम के साथ की स्टॉपेज की जरूरत है, एलोवेरा के साथ कोई स्टॉपेज की जरूरत नहीं है। नेचुरली जब से भी स्टार्ट किया है लंबे समय तक बिना किसी ब्रेक के लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डाइजेशन अच्छा हो जाता है, बाल अच्छे हो जाते हैं, स्किन अच्छी हो जाती है, दांतों वगैरह भी अच्छे रहता है, अगर ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम रहती है वो सब अच्छी हो जाती है। सब चीजों के लिए एलोवेरा बहुत इफेक्टिव।